प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड कप फाइनल मैच के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात की तस्वीर आ गई है। मैच खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए और खिलाड़ियों से मिले और इस दौरान अमित शाह भी मौजूद थे। और ये तस्वीरें जो आप देखेंगे, जो वीडियो देखेंगे, जो बातचीत है, अपने आप में बताती है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से हर एक लेवल पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सबको आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ही भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ सबको, होता है। कहाँ रहो, कैसे हैं? आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू, ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो, इसने थोड़ा थोड़ा तर तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। आप लोग पूरा, तो आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी को कि किस तरह से वो खिलाड़ियों के बीच पहुंचे थे। आप सोचिए कि वर्ल्ड कप में फाइनल में हार, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जाना और अपने से एक बड़े का या देश के सर्वोच्च नेता का उनके बीच आके ये बताना कि आपने जो किया उससे पूरा देश गर्व महसूस करता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ सबको। होता है। कहाँ रहो, कैसे हैं? आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू, ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो, इसने थोड़ा थोड़ा तर तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको।